मेरा नाम प्रभात राजू कोहली है। मैं अनुशक्ति नगर से हूँ। मेरा स्विमिंग मैं ओपन वाटर स्विमर हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। मैं ओशन 7 चैलेंजेस जो है, वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन रिकग्नाइज जो चैलेंजेस है, 7 चैलेंज है, चैनल्स है, वो स्विम कर रहा हूँ अभी। मेरे उसमें से 6 चैनल्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरा आखिरी इवेंट बाकी है। और उसके साथ ही मैंने कुछ और भी इवेंट स्विम किए, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो और जर्मनी हो या फिर जर्सी हो, अलग अलग देशों में जाके मैंने इवेंट्स कंप्लीट किए। और इंडियन वाटर्स में भी वेस्ट बंगाल में 81 किलोमीटर्स भी किए और अपने मुंबई वाटर्स में 4 न्यू रूट्स इन्वेंट किए मैंने, और इन फ्यूचर और भी करने के सोच रहा हूँ। तो जहाँ भी आपने पार्टिसिपेट किया है तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है या पर्सनली पार्टिसिपेट? इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया है। और जहाँ पर भी मतलब मैं स्विमिंग करता हूँ, जैसे इंग्लिश चैनल हो या फिर जो 7 ओशंस में से कोई भी चैनल हो, मोलो का चैनल हो, वहाँ पे जाके स्विम किया है, तो इंडिया को मैंने आगे रखे, उसको रिप्रेजेंट किया है। इस क्षेत्र में अभी तक आपको किस तरह के अवार्ड्स मिले स्विमिंग से? इस क्षेत्र में मुझे अभी नेशनल अवार्ड लास्ट ईयर ही मिला, 2019 में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो इक्विवेलेंट है अर्जुना अवार्ड के। ये तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, जैसे स्काई डाइविंग हो या फिर माउंटेनियरिंग हो या फिर ओपन वाटर स्विमिंग हो, उनके लिए दिया जाता है। सो सब पूरा सब टोटली सेम है, जैसे अर्जुन अवार्ड हो उसके जैसे ही है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड है। और यही साल मुझे महाराष्ट्र का मोस्ट प्रेस्टिडियस अवार्ड शिव छत्रपति अवार्ड भी से पुरस्कृत किया गया है 2020 फरवरी में। तो स्टेट से आपको अवार्ड मिला है, तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको इस क्षेत्र में और आगे जाने के लिए कुछ मदद मिलती है या नेशनल गवर्नमेंट? नेशनल अब तक मदद एज सच फाइनेंशियल लेवल पे तो कुछ नहीं है, बट ऑफकोर्स इनकरेजमेंट दी है इन पास्ट, और इन फ्यूचर भी वो लोग सपोर्ट तो करेंगे ही, फाइनेंशियली भी और मोटिवेशन के लिए भी सपोर्ट करेंगे मुझे आगे के इवेंट्स कम्प्लीट करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता होगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें इंडिया में आपको किस तरह की दिक्कतें आती है, क्या इजीली कर पाते हो या फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ओपन वाटर स्विमिंग के लिए जब हम लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 4 से 5 घंटा या फिर पीक टाइम रहेगा तो 7 से 8 घंटा हम लोग को वर्कआउट करना पड़ता है, जो मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है, ना ही ओपन वाटर में, समुद्र में जाके तो कर नहीं सकते बिकॉज पोल्यूटेड है इतना है। और स्विमिंग पूल तो पॉसिबल ही नहीं है कि उतना आवर्स के लिए मिले कोई भी स्विमिंग पूल, क्योंकि जनरल बैचेस और ये सब के लिए हम लोग को मतलब फिर हमें नहीं टाइम मिलता, तो हम लोग को फिर नए नए वाटर्स में एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे साउथ में जाके हम अलीबाग में जाके वर्कआउट करते हैं, नैनीताल में हम लोग ने ठंडे पानी के लिए हम लोग ने उधर वर्कआउट किया था, क्योंकि जब हम लोग इसके लिए आयरिश चैनल के लिए जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके लिए हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे तो उसका जो वाटर टेम्परेचर था वो 12 से 15 के बीच में था। सो इसके लिए हम लोग को मुंबई में रह के, मुंबई में हमेशा का अपना टेम्परेचर आपको पता ही होगा कि 30 के अबव रहता है, पानी का भी अगर बोलेंगे तो 28 अबव ही रहता है। सो उस अगर हम लोग इधर से वर्कआउट करके भी अगर उधर जाते हैं तो पॉसिबल तो है नहीं स्विमिंग करना, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है वो। सो हम लोग नैनीताल में हम लोग ने एक्सप्लोर किया 2 साल पहले से जाके, हम लोग ने वहाँ पे का वाटर टेम्परेचर देखा नैनीताल लेक में ही। सो वहाँ पे जब हम लोग ने देखा कि उधर का टाइम जो टेम्परेचर था वो हम लोग के सूटेबल था, सो हम लोग गए थे वहाँ पे वर्कआउट किए 1 महीना पहले जाके वर्कआउट किए, और फिर हम लोग उधर से फिर आयरिश चैनल के लिए। वैसे हम नए नए वाटर्स एक्सप्लोर करते हैं, बट इंडिया मुंबई में हमें उल्वे में रामशेर ठाकुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने लिटरली फ्री हैंड दिया था हमें कि जब भी पॉसिबल हो या फिर मतलब जब भी आपको स्विमिंग करना है आप आके स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे मतलब कुछ पूल्स है करने सपोर्ट करने वाले। के लिए गवर्नमेंट हुए उसके क्या है?
हाँ हम मैंने पद्मश्री के लिए मैं नॉमिनेट हुआ हूँ। मैंने अप्लाई किया था स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो स्क्रूटिनिफाई होके सब उनका मीटिंग अरेंज होता है उनका गवर्नर के साथ, उनके साथ बातचीत होके फिर वो आगे जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर मैं उस एलिजिबल रहूँगा तो मुझे वो लोग फॉरवर्ड करेंगे, आगे भेजेंगे दिल्ली में, और अगर मतलब नहीं रहूँगा तो वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। कुछ अगर कुछ इश्यूज रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, तो वो हम लोग से कांटेक्ट करके फिर वो चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर नहीं होने सकते हो सकते तो वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ है कुछ जगह पे है, जैसे अलीबाग साइड जाना पड़ता है, वहाँ पे समुंदर में थोड़े फिशरमैन्स है जो पहचान के हैं, जो हम लोग की मदद करते हैं हमेशा जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि मुझे उल्वे में रामशेर ठाकुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने हमें कभी भी बोला था कि आ सकते हो और वर्कआउट करके जा सकते हो। मैं इतना ही बोलूँगा कि जो भी आपका स्पोर्ट हो, चाहे स्विमिंग हो, स्टडीज हो, जो भी हो, आर्ट्स क्राफ्ट्स का हो, आप इतना मतलब उसमें इतना फोकस रहो, इतना आप उसमें इतना अचीव करो कि आपके जैसा कोई और हो वो टाइम पे कॉम्पिटिटर बने ही ना, आप ही नंबर वन पे रहो, क्योंकि कॉम्पिटिशन हर जगह पे बढ़ती जा रही है जैसे, और हमें उनमें अलग दिखना है तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वैसे अलग कुछ ना कुछ तो करते रहो ज़रूर आपको, और फोकस्ड हमेशा रहो, और पेरेंट्स जो जैसे गाइड करेंगे वैसे करते रहो। कोई टाइम सीमा इसकी है ट्रेनिंग की वगैरह? डिपेंड करता है कौन सा इवेंट है। अभी इंग्लिश चैनल के लिए मैंने मैक्स टू मैक्स 10 आवर्स किए थे वर्कआउट स्विमिंग पूल वगैरह में, बट मोलोका चैनल के लिए मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ा था। जैसे 81 के लिए 81 किलोमीटर जब मैंने किया था, मेरा सबसे पहला इवेंट, मैंने 12 घंटा स्विमिंग किया था स्विमिंग पूल में, सुबह 6 बजे चालू करके शाम को 6 बजे तक मैं स्विमिंग कर रहा था। वैसे डिपेंड करता है कौन सा इवेंट के लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वैसे हम लोग को प्लानिंग होता है कि किधर जाके ट्रेनिंग करना है, क्या करना है, वैसे अकॉर्डिंगली फिर वो ये हो जाता है, प्लान होता है।